साल में आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता है तो क्या आपका चैनल डिलीट हो जाएगा या फिर आपके वीडियो डिलीट कर दी जाएंगे या फिर आपका चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा या फिर आपके चैनल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, आप सभी का स्वागत है शिवानी अमलपुर ऑफिशियल में। कैसे दोस्तों, आई होप आप सभी बढ़िया होगे, व्यस्त होगे, मस्त होगे एंड स्वस्थ होगे। गाइस, आज के वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि आप अपना वॉच टाइम कैसे कंप्लीट कर सकते हो। अगर एक साल में आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता है तो क्या आपका चैनल डिलीट हो जाएगा या फिर आपके वीडियो डिलीट कर दी जाएंगे या फिर आपका चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा या फिर आपके चैनल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सारा का सारा जानकारी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्लीज इस वीडियो को अभी से लाइक कर लें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखें, तभी फुल जानकारी आपको समझ में आएगी। यदि आप लोग इसको स्किप करते हैं तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट सकती है आपकी। तो दोस्तों, हम आप लोग को पहला पॉइंट बताते हैं कि अगर आपका एक साल के अंदर वॉच टाइम कम्प्लीट नहीं होता है तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। देखिए गाइस, यूट्यूब का रूल है कि आपको एक साल यानी कि 365 डेज के अंदर अपना जो वॉच टाइम है उसको कम्प्लीट करना है। लेकिन उसके अलावा आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो पाता है तो फिर क्या आपका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं, कोई भी आपका चैनल डिलीट नहीं होने वाला है। आपको जो है अपने चैनल पर जो वॉच टाइम अभी तक आपने इंक्रीज किया है, मतलब अभी तक जितना भी वॉच टाइम हुआ है, उस वॉच टाइम को घटते हुए देखना पड़ेगा। आपका जो वॉच टाइम है जिस जिस वीडियो को 365 डेज होता जाएगा, उस इस वीडियो का वॉच टाइम आपके चैनल से घट जाएगा। अब जब वॉच टाइम घट जाएगा तो आप लोग यही सोचोगे फिर भाई मेरा चैनल मोनेटाइज कैसे होगा? तो चैनल तो मोनेटाइज होगा, आप आगे की जो वीडियो डालेंगे उनसे आपका वॉच टाइम इंक्रीज होगा, लेकिन जो पिछली वीडियो है उनका आपका इंक्रीज जो हुआ था वो घट जाएगा वॉच टाइम। क्योंकि गाइज ये होता है ना, यूट्यूब का रूल है भाई, घटेगा तो घटेगा, लेकिन बहुत से लोग ये सोच लेते हैं कि होगा ही नहीं, हो जाएगा, एक भी वीडियो वायरल हो गई तो आपका हो जाएगा। लेकिन जहां तक कोशिश यही करो कि एक साल के अंदर आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, बाद में इससे भी ज्यादा दिक्कत होती है अगर आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता है। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई कि वॉच टाइम अगर नहीं हुआ पूरा तो आपका क्या होगा चैनल का? तो चैनल ना ही डिलीट होगा, ना ही आपका मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आएगा, ना ही आपके वीडियो डिलीट होगा, कुछ भी नहीं होना है, सिर्फ वॉच टाइम घट जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हम लोग वॉच टाइम कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको जेन्युइन तरीका बताती हूँ, लेकिन इसको लोग गलत मान लेते हैं, कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होता है, आप गलत बता रहे हो, लेकिन ये चीज रियल है गाइज। मैंने अपने चैनल पर खुद ऐसी तरीके से किया है और आप लोग करेंगे तो ऐसा जरूर होगा। देखिए गाइज, करना क्या है आपको, रेगुलर प्रतिदिन एक लॉन्ग वीडियो डालना है जिसका लेंथ आपका 10 से 15 मिनट का होना चाहिए। आपके वीडियो पर अगर 100, 150, 200, 500 व्यूज भी आ जाएंगे वीडियो पर, तो आपका जो वॉच टाइम है 20 से 25 दिन में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। पर वीडियो पे 500 व्यूज आने लगा तो, अगर वीडियो का लेंथ आपका 10 से 15 मिनट का है लेकिन आपका व्यूज नहीं आता है तो आपको लेंथ थोड़ा कम रखना है, जैसे कि 8 से 10 मिनट का, 8 से 10 मिनट का रखेंगे तो आपका वॉच टाइम जो है कंप्लीट हो जाएगा इजीली। और इसके अलावा अगर वॉच टाइम आपका कंप्लीट नहीं होता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका एक रास्ता और है, आपको जो है अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम करनी है। अगर आप लाइव स्ट्रीम करते हो तो उसका जो वॉच टाइम मिलता है वो आपका इसी में ऐड हो जाता है। तो वॉच टाइम को कंप्लीट कराने में लाइव भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, कंप्लीट करा देती है। लेकिन आपको मैं बताऊं, अगर आपके चैनल पर 500 सब्सक्राइबर नहीं है तो आपको लाइव नहीं करना चाहिए। होता तो 50 सब्सक्राइबर पर ही ऑन हो जाता है, लेकिन आपको 500 सब्सक्राइबर होने के बाद इसलिए करना है कि उसके बाद आपके चैनल का ग्रोथ बना रहता है। 50 सब्सक्राइबर हुए, आप तुरंत लाइव स्ट्रीम करने लगे तो आपके चैनल पर ग्रोथ नहीं रह जाता है, वीडियो पे ग्रोथ नहीं रह जाता है। इसलिए आपको रिकमेंड यही करेंगे कि आप 500 सब्सक्राइबर होने के बाद ही अपना लाइव स्ट्रीम ऑन करें। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप लाइव स्ट्रीम नहीं करना चाहते तो क्या
करें। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप प्रतिदिन वीडियो डालें। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम शॉर्ट वीडियो डालते हैं तो हमारा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शॉर्ट वीडियो से वॉच टाइम नहीं मिलता है। दिखावे का जो डैशबोर्ड पर आपको दिखता है कि ये वॉच टाइम आपको मिला हुआ है, वो आपका जेन्युइन वॉच टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको वो ऐड नहीं होगा आने वाले सेक्शन में, जहां पर रियल वॉच टाइम आपका जुड़ाता है वहां पर शॉर्ट वाले का वॉच टाइम बिल्कुल भी ऐड नहीं होना है। जो लोग शॉर्ट वीडियो बनाते हैं उनको वॉच टाइम के पीछे भागने की जरूरत है ही नहीं, वो लोग एक जा सब्सक्राइबर कर लें एंड आपको 90 दिन के अंदर 10 मिलियन व्यूज करना है। आप लोग को वॉच टाइम को छोड़ के आपने जो व्यूज है उसको इंक्रीज करने के पीछे भागना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो पे व्यूज आएगा तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा शॉर्ट वालों के लिए। लॉन्ग का मैंने पहले क्लियर कर दिया कि आप वॉच टाइम कैसे इंक्रीज कर सकते हो, शॉर्ट का भी मैंने बता दिया। अब मैं एक बारी ये भी बता देती कि शॉर्ट का अगर व्यूज 10 मिलियन ना हुआ तो इसका क्या होगा। तो इससे भी चैनल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना चैनल मोनेटाइज में दिक्कत आता है, ना डिलीट होता है, ना कुछ भी। सिर्फ यही होता है जैसे उसका 365 डेज में वॉच टाइम घटता है तो इसका 90 दिन के अंदर वॉच टाइम घटने लगता है, सॉरी व्यूज घटने लगता है। ये जो 10 मिलियन है इसमें अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका जो है 90 दिन के अंदर जिस वीडियो को 90 दिन होता जाएगा उसका व्यूज आपका घटता जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होगी कि आप लोग वॉच टाइम कैसे कंप्लीट कर सकते हो, अगर नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम होगी, इससे सारा का सारा उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। इस चैनल पर आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आपका वीडियो रैंक नहीं पकड़ता है, आपकी वीडियो पर अच्छे से व्यूज नहीं आता है, तो आप अच्छे से SEO पर फोकस करिए। SEO कहाँ से करना है, कैसे करना है, SEO है क्या, इस सब पर प्रॉपर वीडियो दिया है। SEO के साथ वीडियो कैसे अपलोड करते हैं ये मैंने अपलोड करके अपनी वीडियो में दिखाया हुआ है। तो आप जाके उस वीडियो को देखिए और समझिए, आपका जो भी प्रॉब्लम है सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब कर ले और प्लीज किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आने पर आप हमारे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक अकाउंट पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तो उसके लिए फॉलो अवश्य कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।